गिल की जगह वर्ल्ड कप के लिए इस 18 साल के तूफानी ओपनर को टीम में लाने के लिए बीसीसीआई से भिड़ गए द्रविड़। तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी और क्या बोले कोच द्रविड़ बीसीसीआई को इस खिलाड़ी के लिए, सब कुछ बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया और कोच द्रविड़ के फैन तो भैया हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन जहां आपको बता दें कि वर्ल्ड कप 2023 का टीम इंडिया का दूसरा मुकाबला खेला जाने वाला है। जी जहां पहले मुकाबले में तो टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये मुकाबला 8 अक्टूबर को खेला और इस मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन पेश कर ये मुकाबला 6 विकेट से अपने नाम किया। और अब बारी है टीम इंडिया के दूसरे वनडे की, जहां ये मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा। तो वहीं ये मुकाबला 11 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाने वाला है। और इस मुकाबले के लिए सभी खिलाड़ी दिल्ली पहुंच गए हैं, दोनों टीमें पहुंच गई है। लेकिन ऐसे में टीम इंडिया के लिए अभी भी एक बड़े परेशानी बनी पड़ी है जी, जो कि है टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी, जहां सुमन गिल अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाए। वायरल फीवर के कारण वो अपना पहला वनडे मुकाबला तो मिस कर चुके और अब दूसरा वनडे मुकाबला भी वो मिस करने वाले हैं। ऐसे में जहां पहले वनडे में उनके जगह पर ईशान किशन बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन ईशान किशन दोस्तों बिल्कुल फ्लॉप रहे। और ऐसे में इसी सबको देखते हुए यहां पे कोच द्रविड़ ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आपको बता दें कि इस 18 साल के तूफानी ओपनर को टीम इंडिया में लाने का फैसला किया है। और इस बारे में बीसीसीआई से बात की है, उनका कहना है कि अगर ये खिलाड़ी टीम इंडिया में आता है तो अब की बार वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी हमारी है। उनका कहना है कि ये खिलाड़ी सुमन गिल से भी अच्छा खेलता है। जी हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि आपको बता दें कि दोस्तों यशस्वी जायसवाल हैं। यशस्वी जायसवाल, जैसे कि आपको बताया कि अभी हाल ही में एशियन गेम्स खेल के आ रहे हैं चाइना में और कमाल की बल्लेबाजी का प्रदर्शन में पेश किया था। भले वो T20 हो, लेकिन आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने जब टीम इंडिया के साथ टेस्ट मैच खेला था तो उसमें भी उन्हें कमाल की शुरुआत की थी। ऐसे में यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के लिए एक बेहतर ओपनर बल्लेबाज होने वाले हैं, ये कोच द्रविड़ का कहना है। तो आपकी क्या राय इस बारे में और आपको क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल को टीम इंडिया में शामिल करना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।